हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रेशराइज एंड नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम से। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में जो क्रॉस सेक्शन होगा वो डिक्रीज करेगा और इस पॉइंट पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन होगा, जिसके कारण प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी ज़्यादा होगा। द क्रॉस सेक्शन एरिया टुवर्ड्स द गेट डिक्रीजेज वाइल द वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड हेंस फ्लो विल बी हाईली टर्बुलेंट रिजल्टिंग इन टू सैंड इरोजन फ्रॉम द मोल्ड कैविटी। क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा, जिसके कारण सैंड इरोजन के चांसेस होते हैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में। द बैक प्रेशर विल बी मेंटेन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन मेटल फ्लो एंड हेंस चैनल विल ऑलवेज रन फुल एंड हेंस देयर विल बी नो चांस ऑफ एस्पिरेशन। बैक प्रेशर हमेशा मेंटेन रहेगा क्योंकि मेटल फ्लो में रिस्ट्रिक्शन होगा, जिसके कारण चैनल यानी कि जो क्रॉस सेक्शन होगा हमेशा फुल फुल होगा मेटल से, जिसके कारण एस्पिरेशन के चांसेस नहीं होंगे। अब आते हैं नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में। द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेज टुवर्ड्स द कैविटी। इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कैविटी के टुवर्ड्स इंक्रीज करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम एरिया होगा, जिसके कारण प्रेशर भी ज़्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगा। इसमें जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो बॉटम पे होगा, जिसके कारण मेटल का जो फ्लो होगा उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। देयर विल बी नो टर्बुलेंसी इन मेटल एंड हेंस चांसेस ऑफ सैंड इरोजन विल बी वेरी लेस, बट एज द चैनल नेवर रन्स फुल देयर फॉर चांसेस ऑफ एस्पिरेशन विल ऑलवेज बी देयर। इसमें क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो वेलोसिटी जो होगा वो कम होगा, जिसके कारण टर्बुलेंसी का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, लेकिन चैनल जो होगा यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन होगा वो फुल फ्लो नहीं होगा। इसमें हमेशा मेटल फुल नहीं रहेगा, जिसके कारण एस्पिरेशन के चांसेस इसमें नॉन प्रेशराइजिंग सिस्टम में हमेशा होगा, क्योंकि ये जगह खाली होगा तो इसमें एयर ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे।